गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदिक क्लासेस। आज हम लोग जानेंगे सीबीएसई क्लास 10 डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस के पूरे सिलेबस को जानेंगे हम लोग, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के टोटल जितने हम लोगों के रिड्यूस्ड हुए हैं और क्या हम लोगों के वापस से फिर एड हो चुके हैं, हम लोग इस चीज पे आज डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट, देयर विल बी एनुअल एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द एंटायर सिलेबस। हम लोगों का टर्म वन टर्म टू का जो सिनेरियो था वो सिनेरियो अभी वापस से नहीं है। अभी हम लोगों का सिर्फ एक ही एग्जाम होगा और उस पर ही हम लोगों को फोकस करना है। फर्स्ट, रेशनलाइज्ड सिलेबस विल बी देयर। द एनुअल एग्जामिनेशन विल बी 80 मार्क्स एंड 20 वेटेड फॉर द इंटरनल असेसमेंट। हम लोग ये जानेंगे कि 80 मार्क्स का हम लोगों का बोर्ड पेपर जिस तरह हुआ करता था वैसे होगा और 20 मार्क्स का हम लोगों का जो इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट एंड ऑल जो हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फॉर इंटरनल असेसमेंट पीरियोडिक असेसमेंट 5 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स। फिर जानेंगे सब्जेक्ट एनरिचमेंट प्रैक्टिकल वर्क्स दैट मींस 5 मार्क्स एंड पोर्टफोलियो दैट इज कॉल्ड 5 मार्क्स। 5 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स, 2 यूनिट हम लोगों के, 2 पीरियोडिक टेस्ट होंगे और सब्जेक्ट एनरिचमेंट के साथ उसके साथ हम लोगों के जो प्रैक्टिकल वर्क्स होंगे। इसके लिए हम लोगों का टोटल 20 मार्क्स का पैकेज होगा और 80 मार्क्स के हम लोगों के इंक्लूडिंग टोटल पेपर होंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे हिस्ट्री के सिलेबस को। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये हम लोगों को ऑल टुगेदर 5 चैप्टर पढ़ना है जो हम लोग पुराने समय में लास्ट ईयर जो हम लोगों का 21 to 22 का जो सेशन था जिसमें हम लोगों ने सिर्फ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया को ही पढ़ा था, लेकिन वापस से कुछ हमारे जो चैप्टर एड हो गए हैं मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। सबसे पहले जानेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नो रिडक्शन, इसमें कोई रिडक्शन नहीं है, इसमें हम लोगों को फुल चैप्टर टोटल वेटेज तैयार करना है। नेशनलिज्म इन इंडिया, यहां पे भी हम लोगों को कोई रिडक्शन नहीं मिला है। द एज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, नो रिडक्शन, वापस से ये एड भी किया गया और कोई रिडक्शन भी नहीं है। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, नो रिडक्शन, ये भी हमारे एडेड चैप्टर्स हैं और कोई रिडक्शन इसके लिए हम लोगों को नहीं मिला है। प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, हम लोग अगर वापस से देखेंगे इसमें भी कोई रिडक्शन नहीं है और हम लोग जब पढ़ेंगे तो जानेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इंडिया एंड प्रिंट कल्चर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो हम लोगों का कुछ सिनेरियो हो सकता है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, जो हम लोगों का क्या होगा कि सबसे पहले और इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ पे कुछ पीरियोडिक टेस्ट में इसको हम लोग यूज करेंगे और हम लोग बोर्ड पैटर्न में भी इसको यूज करने वाले हैं। यहां पे वापस से हम लोग जाएंगे सिविक्स के सिलेबस पे। फर्स्ट, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। फिर हमारा चैप्टर है डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, पॉपुलर स्ट्रगल्स, मूवमेंट, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। ये टोटल हमारे जो चैप्टर्स हैं इसमें अब हम लोग वन बाय वन जानेंगे किसमें क्या रिडक्शन है, किसमें टोटल टॉपिक्स डिलीटेड हैं। पावर शेयरिंग, नो रिडक्शन, कोई रिडक्शन नहीं है, पावर शेयरिंग हम लोगों को पूरा तैयार करना है। फेडरलिज्म, नो रिडक्शन, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, नो रिडक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज, नो रिडक्शन, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, नो रिडक्शन। बट हम लोगों के ये जो चैप्टर्स हैं डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटीज, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसीज, होल चैप्टर डिलीटेड, पूरे 2 चैप्टर हम लोगों को यहाँ पे वापस से नहीं पढ़ने हैं। ये काफी हम लोगों के लिए एक खुशखबरी है और हम लोगों को यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 सिविक्स पे भी वापस से 5 ही चैप्टर पढ़ना है। ज्योग्राफी, हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई सिलेबस। डिटेल डिलीटेड पोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनसीआरटी, कुछ हम लोगों के डिलीटेड पोर्शन है जो हमारे किस बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ एनसीआरटी। आप अपना बुक निकालेंगे और जो पेज नंबर बिल्कुल एनसीआरटी के टॉपिक के अकॉर्डिंग है वहां पे उसको डिलीट कर देंगे। बॉक्स इंफॉर्मेशन स्टेट इंडियाज इन्वायरमेंट पेज 11, ये हम लोगों का जो इंडियाज इन्वायरमेंट है इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, ये टॉपिक हम लोगों का डिलीटेड है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये टोटल चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, इसमें कोई रिडक्शन नहीं है, नो रिडक्शन।
वाटर रिसोर्सेज नो रिडक्शन, एग्रीकल्चर पे वापस से हम लोग आएंगे, कुछ हमारे टॉपिक वापस से किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर पेज 44, ये जो हम लोगों का इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है ऑन एग्रीकल्चर, ये हम लोगों का डिलीटेड टॉपिक है। फिर जानेंगे मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, डिलीटेड पोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी, इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज पेज 64 एंड द कॉटन टेक्सटाइल पेज 66, जूट टेक्सटाइल पेज 68, ये हमारे थ्री टॉपिक्स, और वापस से शुगर इंडस्ट्री 68, आयरन इंडस्ट्री पेज 69 एंड सीमेंट इंडस्ट्री पेज 73, ये हमारे टॉपिक्स क्या है, डिलीटेड है, जो हमें नहीं पढ़ना, वापस से जिसके बारे में कोई प्रिपरेशन नहीं करना है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नो रिडक्शन, इस चैप्टर को हम लोगों को टोटल पढ़ना है। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी नो रिडक्शन, कोई भी रिडक्शन यहां पे हम लोगों को नहीं मिला है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लास्ट इकोनॉमिक्स 20 मार्क्स, डेवलपमेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये हम लोगों के जो चैप्टर्स हैं इसमें कोई रिडक्शन हम लोगों को नहीं मिला है। लेकिन हम लोगों का जो लास्ट चैप्टर है कंज्यूमर राइट्स, होल चैप्टर डिलीटेड, बट इसको हम लोग यूज करते हैं, कहां यूज करते हैं, कैन बी यूज फॉर इंटरनल असेसमेंट और स्कूल प्रोजेक्ट, इसको हम लोगों को स्कूल प्रोजेक्ट और इंटर असेसमेंट में, इंटरनल असेसमेंट में क्या होता है कि इस पे हम लोग वर्क करते हैं। यहाँ पे हम लोगों का चैप्टर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट हम लोगों के स्कूल में इस टॉपिक से, इस चैप्टर से हम लोगों को प्रोजेक्ट की टॉपिक दी जाएगी, ठीक है। 20, 20, 20 + 20 हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, हम लोगों ने टोटल सिलेबस को अभी कवर कर लिया है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।